if he is you, and the sum of q terms is b. If p के p पदों का जो फल q है, तथा q पदों का जो फल b है, then prove that the sum of p plus q terms is minus p plus q. तब बारे तब सिद्ध कीजिए कि p plus q पदों का जो फल minus p plus q होगा, ठीक है? समझते हैं हम लोग फिर? एक नंबर सवाल है, हमको दिया गया है, देखिए शुरू शुरू में हम समझ आए थे कि एपी का सवाल या तो पद में देता है चाहे जो फल के रूप में देता है, जब पद में देता है तो हम उसको टी के रूप में व्यक्त करते हैं, जो फल के रूप में देगा उसके रूप में व्यक्त करेंगे, तो तीन पदों के जो फल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तीन पदों के जो फल है, तीन पदों के जो फल क्यू है, यानी कि क्यू के बराबर है, अब क्या लिखेंगे? हाँ, एस टी बराबर क्यू, और एक और दिया है, क्यू पदों का जो फल, और बड़ा है, यह निकालिए, तीन प्लस क्यू पदों के जो फल को कैसे सूचित करें? हाँ, तीन प्लस क्यू पदों का जो फल कैसे सूचित होगा? अगर यह होना चाहिए इतना माइनस पी प्लस, ठीक है, पर इसका जो फल इतना के बराबर हम सिद्ध करें, तो जब हम यह निकालने चलेंगे तो ये तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कौन फॉर्मूला? एस है, जहाँ एस की जगह हम क्या रखेंगे, अब जब फॉर्मूला बोलिए तो क्या होगा? पी प्लस बिल्कुल इंटू प्लस, जब कहेंगे क्या इसका जो फल निकालिए तो हम तो फॉर्मूला लिखेंगे, और लिखने के बाद और इसको हमको यहाँ तक ला देना है, तो यहाँ तक लाने के लिए और उसी में हमको सोचना होगा क्या करें, इतना इसमें कहीं ए और टी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सवाल में ए और टी नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, यदि इस फैक्टर का मान हम माइनस टू के बराबर लाते हैं तभी आ जाएगा, यहाँ जब हम माइनस टू रखेंगे तो उस दो से टू कटेगा, माइनस वन बोलिए जी, तो हम लोग को क्या लाना है, फॉर्मूला लिखकर हम लोग टारगेट बनाए, और टारगेट हमारा क्या हो गया, टू ए प्लस टी प्लस क्यू